दिल्ली में केजरीवाल सरकार 6 लाख युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करेगी। बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल ने उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कहा कि नॉन कंफर्मिंग नोटिस फाइट औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्विकास कर विश्व स्तरीय औद्योगिक क्षेत्रों में बदला जाएगा। दिल्ली में अगले कुछ दिन राहत रहेगी। इस पर मौसम विभाग ने कहा कि अगले 6 दिन तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। दिल्ली के निजी स्कूलों में 2023 से 2024 के लिए कक्षा 2 से लेकर 9वीं तक आरक्षित आर्थिक पिछड़ा वर्गों के लिए दाखिला आवेदन गुरुवार यानी आज से शुरू होंगे। नोएडा पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत जिले भर में 500 महिलाओं को शक्ति दीदी के रूप में नियुक्त करने के लिए बुधवार को कार्यक्रम की शुरुआत की। मानसून से पहले हुई 2 घंटे की बारिश में दिल्ली जयपुर हाईवे पर नरसिंहपुर में मुख्य लेन पानी में डूबे। हाईवे पर जलभराव से दिल्ली से जयपुर की ओर करीब 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।